नहीं दोस्तों, क्या आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है? क्या आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है? क्या आप कंप्यूटर रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और कुछ अमेजिंग फैक्ट कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अगर आप नहीं चाहते कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे आप अपने कोई भी ड्राइव को हिडन कर सकते हैं, कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं, वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। तो बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ सुदेशना और आप देख रहे हैं इंडियन टेक मीडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपने ब्लॉक किया है वेबसाइट को उसको फिर से अनब्लॉक करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे, इसके लिए हम लोगों को पहले रन में जाना है। हम लोगों को पहले रन मोड को ओपन करना है, विंडो आर कीजिए और इसके बाद टाइप करना है %winner%system32/diver/etc और इसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको होस्ट फाइल मिलेगा, यहाँ पे होस्ट को आप कॉपी कर लीजिए और डेस्कटॉप में यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। पहले होस्ट को कॉपी करके डेस्कटॉप में पेस्ट कर लीजिए। को ओपन करना है नोटपैड के अंदर, नोटपैड में ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया गया है, आईपी एड्रेस को आपको टाइप करना है। आपका जो लोकल आईपी एड्रेस है आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा वहां पे आप 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद आप जिस वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं उस वेबसाइट का नाम दे दीजिए। मैं अभी फेसबुक का करना चाहती हूँ तो फेसबुक का नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे facebook.com कर दिया। और इसके बाद फिर इसको आपको फिर से कॉपी करना है, सेम कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करना है और फेसबुक के सामने आपको लिखना है www. और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस फोल्डर में आके इसको फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप अपने ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर में जाके आप सर्च कीजिए फेसबुक, तो आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने उस पेज को ब्लॉक कर दिया है। तभी आप कैसे जिस पेज को अभी ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक करेंगे, तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। और यहाँ पे हम लोग ने जहाँ पे लिखा था www.facebook.com और facebook.com वो हम लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से सेव करना है डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप से इसको काट करके लेके जाना है और जो हमारा ओरिजिनल होस्ट फाइल है उधर जाके पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप फिर से ब्राउजर में जाइए और सर्च कीजिए facebook.com, तो यहाँ पे आपका जो पेज है जो हमने अभी ब्लॉक कर दिया था कुछ देर पहले वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कितना आसान तरीके से आप कोई भी पेज को ब्लॉक कर सकते हैं और अनब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रिक्स है वो है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप सिस्टम में पासवर्ड जो है उसको चेंज कीजिए, तो आप जनरली कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यूजर सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद पासवर्ड को चेंज करेंगे। मगर यहाँ पे अगर आपको उस कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड पता नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यही यहाँ पे ट्रिक्स है। तो कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए पहले हम लोगों को रन में जाना है। इसके लिए आपको रन में जाना है और कमेंट CMD टाइप कीजिए, यहाँ पे आपको कमेंट आ जाएगा। इसके बाद आप राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए और इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है नेट यूजर और एंटर कर देना है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना यूजर क्रिएट किया गया है वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरे यहाँ पे ये यूजर आईडी है, इसका पासवर्ड मैं अभी चेंज करना चाहती हूँ, तो कैसे चेंज करूंगी अभी देख लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट यूजर और यहाँ पे ये जो आईडी है यूजर आईडी उसको आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया यूजर आईडी, इसके बाद पेस्ट दीजिए। पेस्ट देने के बाद आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, अभी मैं दे देती हूँ 1 2 3 4 5
और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कंप्यूटर और लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कमांड फॉर्म के मदद से। तो इसके बाद तीसरा जो ट्रिक्स है वो कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इजी है। अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ कि टास्क मैनेजर को जल्दी से ओपन कीजिए, तो आप माउस लेंगे, माउस लेने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपका टास्क मैनेजर आएगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके आप टास्क मैनेजर ओपन होगा। मगर मैं यहाँ पे एक आप लोगों को सिंपल ट्रिक्स दिखाती हूँ जिसके मदद से आप सिर्फ अपने उंगलियों को यूज करके टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को प्रेस करना है और टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। हमारा चौथा ट्रिक से वो है कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो वाईफाई यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई भी वाईफाई का पासवर्ड हो सकता है, आपको पता करना है उस वाईफाई का पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे आपको आप कंप्यूटर सिस्टम का जो कमेंट है उसको यूज करके आप कोई भी वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं वाईफाई का पासवर्ड पता करना, तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के रन में जाना है, कंट्रोल आर कीजिए और यहाँ पे आपको CMD लिखिए और एंटर कर दीजिए। को लिखना है NETSHWALANSHOW, सो प्रोफाइल PROFILE, प्रोफाइल। और यहाँ पे आपको वाईफाई का नाम डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाईफाई का नाम, मेरे जो वाईफाई है वो यहाँ पे नाम दिया गया है Netgear 99। तो इसको मैं अभी यहाँ पे डाल देती हूँ Netgear 99। और इसके बाद आपको एक पेज देके टाइप करना है की KEY इज इक्वल टू क्लियर और एंटर देना है। तो एंटर देने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स, और सिक्योरिटी सेटिंग्स में आपको की कंटेंट मिलेगा। की कंटेंट के पास में जो यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा वही है आपका जो वाईफाई अभी यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कितना आसान तरीके से आप कोई भी वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं कमांड फॉर्म के मदद से। पांचवा जो ट्रिक्स है वो बहुत ही अमेजिंग है, और वो ट्रिक्स है अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ड्राइव को हिडन करना, तो आप कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। और हाइड किया हुआ ड्राइव को आप अगर अनहाइड भी करना चाहते हैं वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन मोड को ऑन करना है, और इसके बाद रन में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है GPEDIT.MSC और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको ये पॉपअप खुल ओपन हो जाएगा। वेबसाइट में आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए इसको। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको विंडोज कंपोनेंट्स, तो इसको भी एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा फाइल एक्सप्लोर। फाइल एक्सप्लोर में आप अगर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको राइट साइड में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, सर्च करना है हाइड दिस स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। एनेबल में क्लिक करना है। एनेबल में आप जब भी क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेस्ट्रिक्टेड ऑल ड्राइव। रेस्ट्रिक्टेड ऑल ड्राइव में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जिस ड्राइव को यानी कि पर्टिकुलर जिस ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए अभी मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम में तीनों ड्राइव है C, D और E। तो यहाँ पे अभी मैंने डी ड्राइव को हाइड किया है, तो अभी अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये जो डी ड्राइव है ये हाइड हो जाएगा। देखिए ऐसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ड्राइव को बहुत ही इजीली हाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं हाइड किया हुआ ड्राइव आपको अनहाइड करना है, तो आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि सेम जो मेथड हमने अभी फॉलो किया है उसको फॉलो करना है और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉट कॉन्फिगर करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमारा जो ड्राइव हमने हाइड किया था वो फिर से आ जाएगा।
तो ये हमारा डी ड्राइव फिर से वापस आ गया है, हाइट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी ड्राइव को हाइट भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो हाइट नहीं भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और इस वीडियो में से आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स। और मैं फ्यूचर में और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगी कंप्यूटर रिलेटेड, और भी बहुत सारे ट्रिक्स है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल वाला आइकन दिख रहा है उसको भी दबाइए, जिससे कि हम लोग जब भी एक नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।